ब्लश में थोड़ा ऑलरेडी हाइलाइटर रहता है, तो इसके लिए मेरा हमेशा जो चीक बोन अगर आप देखोगे हमेशा हाइलाइटेड रहता है मेरे मेकअप में। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ लटक मटक। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे सब लोगों ने बोला लास्ट वाले व्लॉग में मैंने जो मेकअप किया था वो क्या था एग्जैक्टली, एंड दे वांटेड टू सी द मेकअप ट्यूटोरियल्स। तो मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि वो मेकअप मैंने कैसे किया था एटसेट्रा। बट एट द सेम टाइम आई वांटेड टू टेल दैट दिस ईयर द मेकअप ट्रेंड वॉज गोइंग टू कम समथिंग लाइक नेचुरल, लाइक जो मैंने अभी किया हुआ है या मेरे लास्ट मेकअप लास्ट व्लॉग में आपने मेरा मेकअप देखा था। सो एक्चुअली देयर वर टू ट्रेंड्स दैट वर गोइंग टू कम, बट ड्यू टू कोविड नाउ आई थिंक सो ओनली दिस नेचुरल ट्रेंड इज वर्किंग ऑन। जो ट्रेंड था, जो एक दूसरा जो ट्रेंड आने वाला था वॉज गोइंग टू कम विद सम पॉपी आई शेड्स लाइक पर्पल एंड नियॉन एंड सम बोल्ड कलर्ड आई शेड्स आने वाले थे विद न्यूड लिपस्टिक्स, या फिर आईज वर गोइंग टू गो नेचुरल विथ बोल्ड कलर्ड लिप शेड्स लाइक मरून एंड डार्क रेड एंड स्टफ लाइक दैट, या फिर थर्ड ट्रेंड आने वाला था जो ये है नेचुरल, लाइक यू नो जिसमें ज्यादा लगे नहीं कि कुछ मेकअप किया हुआ है, एंड वो एक्चुअली है दिस इज जस्ट 5 मिनट मेकअप ट्रेंड। इट्स लाइक यू नो इट जस्ट टेक्स योर 5 मिनट एंड देन यू आर डन। सभी लिप्स तो कवर्ड ही होने वाले हैं मास्क के पीछे। चलो अभी मैं ज्यादा बकबक नहीं कर रही हूँ, अभी आपको मैं आगे दिखाती हूँ कि ये मैंने मेकअप कैसे किया है। एक्चुअली टेक्निक क्या है इसमें, आप थोड़ा सा वैसे प्राइमर यूज करते हैं तो प्राइमर के जगह पे आप अपनी फेस क्रीम ले लीजिए, एंड कोई भी आपके आई शेडो में अगर हाईलाइटर रहेगा, तो ये मैं एक्चुअली दिखा चुकी हूँ एक बार पहले भी, मैंने ये ट्यूटोरियल मैंने इंस्टाग्राम पे किया हुआ है, तो ये उसमें मैंने ये टेक्निक दिखाई थी। तो अभी मैंने यहाँ पे एक फेस क्रीम ली है एंड हाइलाइटर लिया है, अभी मैं इसको मिक्स करके अपने फेस पे यूज करने वाली हूँ। तो मेरा फेस आप जो अभी देख रहे हो और ज्यादा इल्यूमिनेट हो रहा है। इसके बाद और कोई ज्यादा प्रोडक्ट यूज नहीं करने वाली हूँ, सिर्फ मेरे जैसे डार्क सर्कल्स हो गए हैं काफी, तो उनको छुपाने के लिए मैं थोड़ी बहुत फाउंडेशन स्टिक का यूज लूंगी। अब ये एक्चुअली है 5 मिनट मेकअप टेक्निक, बट ये जब आप फेस क्रीम लगाते हो सो एटलीस्ट इट्स नॉट ओनली दिस फेस। आई ऑलवेज रिकमेंड कोई भी आप बेस लगाओ, फाउंडेशन हो, प्राइमर हो, फेस क्रीम हो, उसके बाद में जब भी आप प्रोसेस स्टार्ट करो सो एटलीस्ट गिव इट 2 मिनट्स। तो 2 या 3 मिनट का जब भी टाइम दे दोगे ना तो वो आपके स्किन में एब्जॉर्ब करते जाएगा एंड देन उसके बाद में उसका इफेक्ट दिखते जाएगा। सो आई ऑलवेज मेरे जो भी हमेशा सेमिनार्स हुए एग्जीबिशन हुए तो आई ऑलवेज रिकमेंडेड दैट। Now I am using a foundation stick just to cover up my dark circles and this area. मैं फाउंडेशन क्यों यूज करती हूँ क्योंकि मेरे को है ना खतरनाक फ्रेकल्स है एंड स्पेशली समर्स जो होती है समर्स में मेरे फ्रेकल्स और बढ़ जाते हैं, तो उसके वजह से मेरे आईज के नीचे और मुझे लगता है कि मेरे डार्क सर्कल्स और बढ़ रहे हैं। डार्क सर्कल्स का भी एक और टिप मैं आपको नेक्स्ट कोई ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, वेर यू डोंट नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, जस्ट ये मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि क्या एक टिप है। ओके सो एज यू कैन सी नाउ माय फेस इज लुकिंग स्मूथ, इल्यूमिनेटेड भी लग रहा है। अब मैं क्या करूंगी, अपने सिर्फ आईब्रोज को सेट कर रही हूँ थोड़ा विद द हेल्प ऑफ अ नॉर्मल ब्रश। इट्स जस्ट लाइक यू नो जस्ट फॉर सेटिंग इट,
देखो जैसे अगर क्रीम लगा देते हैं तो हम लोग के आईब्रोज ऊपर नीचे हो जाते हैं. जस्ट फॉर सेटिंग इट आई शैडोज जस्ट यूज इट एंड डैब इट एंड देन नाउ यू हैव टू यूज योर फिंगर्स टू गिव इट मोर नेचुरल लुक. सो आई एम जस्ट इसको एक नेचुरल लुक अपने फिंगर्स से ही ऐसे देना चाहती हूँ कि एक वो नेचुरल है. अब इसका इफेक्ट तब ज्यादा अच्छा लगेगा वेन जो आउटर लाइन ऊपर की है ना वो थोड़ी अगर डार्क होएगी ना तो डिफरेंस एक कॉन्ट्रास्ट आ जाता है आईज में. सी नाउ यू कैन सी हियर यू. सो नाउ यू कैन टेक योर ब्रश एंड उसको अच्छी तरह मर्ज कर दो. तो कोई भी एंगल से किसी को लगेगा भी नहीं कि आपने मेकअप बहुत किया है बट योर आईज विल लुक नेचुरल एट द सेम टाइम इट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट. लाइटर मैंने यूज किया था क्रीम में. यूज इट लिटिल ऑन बोथ साइड्स एंड अपने फिंगर्स से उसको मर्ज कर दो. अभी जैसे आप मास्क बहुत पहन रहे हो तो बेसिकली आपके लिप्स इतने नहीं दिखते रहेंगे या दूसरा पोर्शन नहीं दिखता रहेगा पर आईज आपकी डेफिनेटली दिखेगी. तो आईज को आप हमेशा मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ काजल लगा दूं तो काजल से मेरी आंखें और बड़ी लगती हैं एंड और दिक्कत आती है. Now, next is a normal blush. Okay, so my normal, मेरे ब्लश में थोड़ा ऑलरेडी हाइलाइटर रहता है तो इसके लिए मेरा हमेशा जो चीकबोन अगर आप देखोगे हमेशा हाइलाइटेड रहता है मेरे मेकअप में. अब ये तक तो यहाँ तक तो ठीक है बट अगर आप देखोगे मेरी डबल चिन एवरीबडी सेज मी दैट योर डबल चिन तेरी दिखाई नहीं देती पर अगर देखा जाए तो आई हैव अ लॉट ऑफ डबल चिन लॉट. तो मैं डबल चिन के लिए आई ऑलवेज डू इज टेक अ डार्क कलर. डार्क कलर का काउंटर जस्ट डैब इट हियर एंड एक क्रीज बनाती यहाँ से एंड यहाँ से एंड देन उसको अच्छी तरह ब्लेंड करती जाती हूँ. टाइम ये साल का मेरा फर्स्ट वर्क दैट्स माई हेना टाटू का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है. सो एक्चुअली मैं तैयार उसके लिए भी हुई हूँ बिकॉज आई एम गोइंग डाउन टू माई शॉप एंड आई हैव हेना टाटू एंड आई एम सो लाइक यू नो इट्स आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम. लाइक यू नो ये साल का ऐसे लाइक लग रहा है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ भले थोड़ा बहुत काम है बट आई एम वर्किंग ऑन समथिंग. So it's a good feeling at the same time कुछ positive feeling है कि like you know कुछ तो मैंने किया ये साल मैंने कुछ तो contribute किया. Let's go to my shop today. आज से यहाँ पे ना mask obligatory कर दिया है but currently I'm waiting for my clients to come and वैसे last year जब भी मेरे पास आते थे तो appointments रहती थी and ऐसे line लगी रहती थी लोगों की यार क्या time था but खैर ठीक है nevertheless भले अभी ये जो भी है इट्स ओके एटलीस्ट कुछ नई से तो अच्छा है. तो मेरा
मेरा बस अभी टैटू फिनिश ऑफ हो गया है एंड अभी बस हम लोग घर के तरफ जा रहे हैं, घर पे जा रही हूँ मैं। मेरा ब्लॉग भी मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पुराने हो तो लाइक तो जरूरी करके जाओ, ठीक है। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज, बटन है सब्सक्राइब का वो प्रेस कर दीजिए, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग जरूर लेकर आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अडियोस, बाय। पसंद आया हो अगर आपको मेरा बहुत सारा प्यार हम सब फैन वालों की तरफ से, बाय। Oh, 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 oh